गाइज वेलकम टू प्रिया घर किचन। तीज आने वाली है, आज हम बनाएंगे तीज स्पेशल गुंजिया जो त्योहारों पे सबसे ज्यादा खाई जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने एक बाउल में मैदा ले ली है, ये 200 ग्राम मैदा है। इसे एक बड़ी परात में कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में। घी हमारा मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। हमें मैदा में घी इतना डालना है तब उसकी मुट्ठी बांधे तो ये एक फॉर्म में हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो लगा के रेडी कर लेंगे। हमें इसका हार्ड डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट डो लगाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, हार्ड डो नहीं लगाएंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से मैश करते रहेंगे ताकि डो हमारा सॉफ्ट बने। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अपने गुंजिया बनाने के लिए स्टफ बना के रेडी कर लेते हैं। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 4 टेबल स्पून सूजी, सूजी को अच्छे से हम भून लेंगे घी में लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। सो देखिए सूजी हमारी भुन चुकी है, इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे एक बड़े बाउल में कर लेंगे। अपना इसी पैन में ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। मैंने बादाम को बारीक कट कर लिया है, थोड़े से काजू को बारीक कट कर लिया है। किशमिश हम भूनेंगे नहीं, ऐसे ही ऐड करेंगे। हल्का सा इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भून चुके हैं, ये हमने थोड़े से गोले को ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सो इसे एक प्लेट में कर लें। ये हमने 200 ग्राम मावा ले लिया है, अपने मावे को भी भून लेंगे। थोड़ा सा अपना मावा भी भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सो हमारा मावा भी सॉफ्ट हो गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने अपने बड़े बाउल में सूजी कर ली है, अपना गोला डाल देंगे। अपने ड्राई फ्रूट हमने भुने थे, अब किशमिश इसमें ऐड कर देंगे। अपना मावा, ये हमने 200 ग्राम बूरा ली है, बूरा ऐड कर देंगे अपनी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों को आप पहले ठंडा कर लें उसके बाद मिक्स करें। सो गुंजिया बनाने के लिए हमारा कसार स्टव बन के रेडी हो गया है, अपने गुंजिया बनाना शुरू करेंगे। सो हमारा आधा घंटा भी हो चुका है, अपने मैदा को चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए लोई कर लेंगे छोटी छोटी इस तरीके से, इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे, देन राउंड कर लेंगे, प्रेस कर देंगे, अपनी लोई को बेल लेंगे। देखिए हमें इस पे घी मैदा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, कितने अच्छे से बिली है। इसे चारों साइड से बेलेंगे ताकि किनारे मोटे ना रहें। हमने अपनी लोई बेल ली है, आप इस तरह की कोई भी साँचे ले सकते हैं, डिज़ाइन वाला है, ये नॉर्मल है। अपने साँचे में अपनी लोई, अपने साँचे में अपनी बिली हुई लोई को रखेंगे अच्छी तरीके से। इस पे लगाएंगे चारों साइड पानी ताकि अच्छे से चिपक जाए। जो हमने गुंजिया का अपना कसार स्टफ रेडी करा था वो लगाएंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे, देन इसमें लगा देंगे 1 से 1.5 चम्मच लगा देंगे। अब इसे बंद कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे साइड साइड से इस तरीके से। अपनी एक्स्ट्रा मैदा हटा देंगे, इसे खोल लेंगे। सो देखिए इसे बाहर निकाल लेंगे आराम से। सो देखिए गाइस हमारी एक गुंजिया रेडी हो चुकी है, इसी तरीके से अपनी सारी गुंजिया रेडी कर लेंगे। सो देखिए हमने अपनी सारी गुंजिया को शेप में कर लिया है इस तरीके से। सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे, ऐसी दूसरी साइड कर देते हैं ताकि ये फूले नहीं, इसमें गैस ना भरे। इसी तरीके से अपनी सारी गुंजिया में कर लेंगे। सो हम गुंजिया को घी रिफाइंड किसी में भी तल सकते हैं, एज योर चॉइस। कढ़ाई में हमने ऑयल को डाल दिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, देन अपने गुंजिया को डीप फ्राई करेंगे।
सो देखिए गाइस, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपनी सारी गुंजे को पलट लिया है। इन्हें दोनों साइड से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये 5 से 7 मिनट में बनके रेडी हो जाएंगी। तो देखिए गाइस, ये कितनी क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन सी की हैं। इसी तरीके से अपनी बाकी सारी गुंजे को उतार लेंगे। सो देखिए गाइस, हमारी गुंजे बनके एकदम रेडी हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको ये टेस्टी गुंजे कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।